ली सी एस और नो, ली सी एस और नो गाइस, मिटा दू ना। अरे कुछ भी नहीं बोल रहे हो, यस सर। बैठा देता मैं। हाँ फर्स्ट चैप्टर के लिए का मूव करते हैं अभी हम। सो टीआरई वन फर्स्ट चैप्टर वन मिनट्स। एक्चुअली दिस इज सिलेबस, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। तो ये आपको सबसे पहले हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आज हम देखने वाले हैं। ओके फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है सबको, शेयर स्क्रीन गाइस, शेयर स्क्रीन इज विजिबल? हाँ सर। ओके So, देखो हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग में सबसे अपन जाएंगे तो कब से रोड चालू हुआ है उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड एमपीएससी। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड एमपीएससी, नॉट फॉर द गेट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईएससी ऑल्सो, यानी आईईएस वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके सो इम्पॉर्टेंट इवेंट इन रोड डेवलपमेंट। सो सबसे पहला रोमन रोड था। ओके एट रोम 29 रोड्स वेर मीटिंग। तो रोमन रोड किस तरह था, तो पहले लार्ज स्टोन ऊपर डालते, पहले नीचे से जाते कि वो पहले डक कर देते, डक करने के बाद ये सबसे पहला फाउंडेशन रहता था। ओके तो फाउंडेशन स्टोन्स रहते थे तभी, तभी कॉन्क्रीटिंग नहीं था। तो दैट इज फाउंडेशन स्टोन्स, that is nothing but a curb stones and that's nothing but a broken stones, then sand fill, then uske upar again large stone. To is tarah ka kya tha apna roman ye tha, yani kya bolta road tha sabse pehla. At rome 29 road were meeting, at rome 29 road were meeting. Ab ye kab hua, to ye aapka गाइज बहुत, यानी सबसे पहला रोड था तो इसमें बहुत सारे दिक्कत थे। दिक्कत कौन से थे, कि दिक्कत ये थे कि यानी इसमें कुछ भी अलाइनमेंट का वगैरह बाकी कुछ भी नहीं था, दैट इज ओनली फॉर द दैट रोड, यानी जस्ट और जस्ट आपको एक रोड बनाना है बस वही। इसमें आपका जो भी वाटर बाहर निकलेगा ये वगैरह कुछ भी उसमें था नहीं, यानी स्लोप का वगैरह कुछ भी नहीं था, जस्ट जस्ट अ रोड। तो ये सबसे पहले आपको पूछा जाता था, सबसे पहला रोड कौन सा है, रोमन रोड सबसे पहला है। देन क्या हुआ कि इंडस वैली है, इंडियन रोड आया, तो इंडियन रोड में अभी क्या क्या आया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियन रोड में क्या क्या आया, तो इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आया, तो 500 BC में आया। आपके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स डोंट थिंक कि आपको हिस्ट्री वगैरह आप इतना ही ज्यादा ज्यादा याद याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो टाउन आर प्लान्ड विथ ग्रिड पैटर्न, तो आपने जो भी टाउन्स ये किए तो वो ग्रिडिंग पैटर्न में किए, एक ग्रिडिंग पैटर्न आपने बना दिया और ग्रिडिंग पैटर्न में आपने ये कर दिया। व्हाट आर द ग्रिडिंग पैटर्न्स, वो आपको सामने अभी पता चल जाएगा, रेडियल क्या है, ग्रिडिंग क्या है, वो सामने आपको अभी इसे पता चल जाएगा। ग्रिडिंग पैटर्न में आपने ये किए, बाद में मायरियंस 4000 to 2000 BC, चंद्रगुप्ता मौर्यास, चंद्रगुप्ता मौर्यास कंस्ट्रक्शन, चंद्रगुप्ता मौर्यास कंस्ट्रक्शन। सो दैट इज 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड फ्रॉम
फ्रॉम वेयर गाइस, पटना टू तक्षशिला, दैट इज नाउ इन पाकिस्तान. ओके, पटना टू तक्षशिला, तब पटना को पटलिपुत्रा ये नाम था, अभी पटना नाम है. ओके, तो फर्स्ट रोड जो उन्होंने बनाया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने किलोमीटर का बनाया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2400 किलोमीटर का बताया था, 2400. कौन से बीसी में 400 to 200 बीसी में बनाया था. ओके, तभी बनाया था उन्होंने. देन फर्स्ट ब्रिटिश रोड, जीटी रोड जिसको अपन बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, गाइस, फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. दिस 4-3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आस्क्स इन एवरी एग्जाम्स, नियर अबाउटली एवरी एग्जाम्स दिस इज आस्क्स. ओके, 1 मिनट गाइस. ओके गाइस, सो नेक्स्ट रोड अराउंड द वर्ल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो अभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरे के पूरे रोड्स के आपको बताया गया है, तो आपको जस्ट वंस ये रीड करना है. दैट इज नॉट इन इम्पॉर्टेंट फॉर गेट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड एमपीएससी. Not much important for MPSC. MPSC, it is important for this. This is very important. Not much as that important in MPSC, this. Okay. लेकिन ये पूछा जाता है, बहुत बार हिस्ट्री में ये पूछा जाता है. और आप अगर इसके लिए जाओगे, काय के लिए जाओगे, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो भी आपको ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये पूछा जाता है कि पहला कौन सा था, देन सेकेंड कौन सा था, देन थर्ड कौन सा था, देन फोर्थ कौन सा था, ये सब कुछ आपको पूछा जाता है. ओके, then next what are the next directly. apna jo macadam construction hai, that is very much important. macadam construction, it is very much important. jo bhi macadam construction aaya 1756 se 1856 yani ye 100 years ke liye jo bhi tha, jab first 1856 mein apna independence ke liye awaaz uthi thi, तब से यानी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये अभी भी हम यूज कर रहे हैं. ओके, मैकेडम कंस्ट्रक्शन. सो मैकेडम कंस्ट्रक्शन गाइस, द इंपॉर्टेंस ऑफ सब ग्रेड ड्रेनिंग एंड कॉम्पैक्शन वॉज रिकॉग्नाइज एंड क्रॉस स्लोप. यहाँ पे क्रॉस स्लोप जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो ड्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला जो ये था यहाँ पे नो क्रॉस स्लोप, एनी रोमन में कोई क्रॉस स्लोप वगैरह नहीं था. मैकेडम और ये जो है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, इसमें और इसमें क्रॉस स्लोपिंग का एक आपका ये है कि ड्रेनेज वॉज नॉट प्रॉपर था, इसका सबग्रेड वगैरह सब कुछ था. सबग्रेड आर केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड हेंस द सबग्रेड ड्रेन वॉज नॉट प्रॉपर. तो इससे मैकेडम ने क्या सीखा कि मैकेडम ने ये लिया कि नहीं भाई ड्रेनेज नहीं होगा. तो मैकेडम ने ये बोला कि ड्रेनेज भी होने को होना है ना, पानी अगर आया बरसात में आया तो रोड ही नहीं दिखेगा, तो रोड दिखने को होना. इसीलिए आप अगर जब भी जाते तब आपको जो बीच वाला पोर्शन है वो ऊपर दिखता है और आजू बाजू वाले जो पोर्शन है वो थोड़े नीचे दिखते हैं. ओके, तो वो थोड़े नीचे दिखते हैं, इसीलिए आप क्या करते कि आप ऑलवेज आपको आजू बाजू में पानी दिखता है लेकिन आपको वहां पे वॉटर नहीं दिखता है. यानी आपका कहाँ पे क्रॉन पे, जो क्रॉन रहता वहां पे आपका वाटर आपको नहीं दिखता है गाइस. ओके, सो मैकेडम कंस्ट्रक्शन गाइस, मैकेडम कंस्ट्रक्शन अभी हम देख रहे हैं.
तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन में आपका मेन है सबग्रेड ड्रेनिंग सबसे पहला, एंड कॉम्पैक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड क्रॉस लोड 1 in 36 दैट व्हाट 1 in 36 वन इज हॉरिजॉन्टल वन इज वर्टिकल एंड 36 इज हॉरिजॉन्टल. तो 1 in 36 वाज प्रॉपर फ्रॉम द ग्रेड फ्रॉम द सबग्रेड लेवल इटसेल्फ, सबग्रेड लेवल से ही वो चालू हो जाएगा. अब तो वो कैसी है 1 in 36 सबग्रेड लेवल से ही वो सामने देखते हैं अपन. वन मिनट. द फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिकनिंग, साइंटिफिक थिकनिंग उसमें फर्स्ट मेथड है ये कि जो सिंथेटिक थिकनिंग की है, सिंथेटिक थिकनिंग की है. ओके. इट वॉज रियलाइज दैट द स्ट्रेस ड्यू टू विल लोड्स, स्ट्रेस ड्यू टू विल लोड्स ऑफ ट्रैफिक गेट डिक्रीजेस, यानी जो भी स्ट्रेस ऊपर आएगा वो नीचे 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 क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस होते जाएगा ऑन द लोअर लेयर ऑफ द पेवमेंट, एंड देयरफॉर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लार्ज बोल्डर्स. जो भी लार्ज बोल्डर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, लार्ज बोल्डर्स यहां पे दिख रहे हैं, वो यहां पे it is not required to large boulder and stones or soling cores at the lower layer of pavement. Lower layer of pavement में बहुत ज्यादा large boulders provide करने की जरूरत नहीं है क्योंकि stress धीरे 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 decreasing हो रहा है. ये किसने बताया, तो McAdam ने बताया. That line बहुत बार पूछी गई है SSC एंड MPSC में, और यहाँ पे पूछा भी गया है कि ये कौन से इसमें कौन से रोड इसमें बताया गया है, तो McAdam कंस्ट्रक्शंस में बताया गया. ओके. सो गाइस, व्हाट इज मेलफोर्ड, देन टेलफोर्ड, देन McAdam. ओके. सो मेलफोर्ड सीधा सीधा था, इस तरह का था. जो भी मेलफोर्ड यहाँ पे है अभी, दैट इज मेलफोर्ड इंग्लैंड में जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ था 1717 to 1810 में. तो इट्स लाइक दिस. ओके. यहाँ पे ड्रेनेज के लिए ये डिच थे, लेकिन इसका क्या होता था कि ये डिच भी भर के यहाँ पे इसके ऊपर पानी आ जाता था. टेलफोर्ड में क्या होता था कि टेलफोर्ड में यहाँ पे रॉक्स वगैरह है, यहाँ पे ग्रेवल्स है, यहाँ पे कंबाइंड सरफेस है, और यहाँ पे हेवीली स्टोन्स है, यानी दैट इज नथिंग बट अ हेवीली स्टोन्स. सो हेवीली स्टोन्स जो भी ये है, तो ये जरूरत नहीं है. ये किसने बोला है, McAdam ने बोला है. McAdam ने क्या किया फिर, McAdam ने ब्रोकन स्टोन्स यहाँ पे डाल दिया. ओके. इसके ऊपर क्या है, ग्रेवल्स है, और इसके ऊपर क्या है, कंबाइंड सरफेस है, ये डिच है. तो इसने एक स्लोप भी रखा. ओके. एक स्लोप भी रखा. तो स्लोप रखा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, मैंने काट दिया इसी डायरेक्टली रोड को, और रोड को काट के मैं देख रहा हूँ उसको, यानी ये लंबा सेक्शन नहीं है. नहीं तो आप बोलेंगे सर लॉन्ग डिटेलिंग नहीं देख रहे अपन, सेक्शन उसको काट रहे हम, उसको काट के हम देख रहे. ओके. काय को काट के देख रहे, अपने रोड को काट के हम देख रहे. ओके. सो ये वाला सेक्शन है वो, रोड को काट के देखने वाला, लॉन्गिट्यूडिनली नहीं, लैटरली दिख रहे हैं. व्हाट इज लैटरली, वी आर टेकन लैटरली. तो सब सॉइल दैट इज फाउंडेशन. हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, इट इज नथिंग बट नेक्स्ट पार्ट गाइस. ये पार्ट्स में आपको ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, और McAdam के बारे में आपको थ्योरी भी लिखने के लिए आती है. आपका ट्रांसपोर्टेशन वन का अगर पेपर अभी ऑफलाइन हुआ तो ये आपको लिखने के लिए आएगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा. ओके. थ्योरी लिखने के लिए आएंगी इसकी इंपॉर्टेंस. अब हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, अब किस तरह हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उससे पहले से ही हाईवे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम, यानी इंपॉर्टेंट बात है. अब ये क्यों, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट इज नथिंग बट 1947, उसके पहले अपने ऊपर ब्रिटिश इंडियन का ये था, यानी ब्रिटिश इंडियन अपने ऊपर, यानी उनका उनकी सरकार थी. ओके. सो ब्रिटिश इंडियन के टाइम से ही जयकार कमेटी स्टार्ट हो गई. फर्स्ट इट इज जयकार कमेटी 1927 रिकमेंडेड्स. ओके. सो 1927 को जयकार कमेटी स्टार्ट हो गई. तो जयकार कमेटी ने क्या किया कि अभी रोड डेवलपमेंट इंडिया का होने को होना, और वो कैसे होने को होना, तो वो टैक्सेशन बाकी सब इससे सेंट्रल रोड फंड से वगैरह होने को होना. तो वो किस तरह होने को होना वो देखते हैं. तो जयकार कमेटी, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ये जो भी पार्ट अभी मैं बताने वाले हूँ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट. सो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से नोट करो. ओके. सो फर्स्ट
फर्स्ट आपका क्या है, रोड डेवलपमेंट टू बी कंसिडरेड एज अ नेशनल इंटरेस्ट, एक नेशनल इंटरेस्ट इसको लिया गया रोड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रोड डेवलप होंगे ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा तो इधर का जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे पहुंचने के लिए वो जल्दी फास्ट हो जाएगा और एक बिजनेस स्टार्ट होगा, तो फॉर द बिजनेस उसके लिए रोड डेवलपमेंट एक नेशनल इंटरेस्ट लिया गया, ओके, एंड कम्युनिकेशन के लिए, एंड एक्स्ट्रा टैक्स तभी से, कब, जयकार कमिटी ने लगाया है एक्स्ट्रा टैक्स टू बी लाइन ऑन पेट्रोल, जो भी पेट्रोल पे टैक्सेस किसने लगाया, तो जयकार कमेटी ने लगाया, जयकार कमेटी ने ही स्टार्ट किया, अब तब कितना था और अब कितना था उसमें बहुत फर्क है, बट स्टार्ट कहां से होता है, जयकार कमेटी ने स्टार्ट किया, ओके, फ्रॉम द रोड यूजर टू डेवलप अ रोड, टू डेवलप अ रोड डेवलपमेंट फंड कॉल सेंट्रल रोड फंड, यानी रोड डेवलप के लिए सेंट्रल रोड फंड ये निकाला गया, जयकार कमेटी निकाला, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी थी, शुड बी फॉर्म टू पुल द टेक्निकल नोन हाउ एंड एक्ट एज अ एडवाइजरी बॉडी, यानी किस तरह ये लगेगा टैक्स वगैरह सब कुछ, ओके, एंड किस तरह डेवलप होगा, अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगा वो इसमें भी इंस्टीट्यूट, उसके भी इंस्टीट्यूट बनेंगे, यानी इसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे अभी सामने है, तो इसका ही सेंट्रल रोड फंड भी इसने जयकार कमेटी ने स्टार्ट कर दिया, जयकार कमेटी ने बोला कि सेंट्रल रोड फंड भी अपन स्टार्ट कर देते, तो सेंट्रल रोड फंड आ गया, फिर सेंट्रल रोड फंड मेरा कब आया, सेंट्रल रोड फंड मेरा आया मार्च 1929 में सेंट्रल रोड फंड आ गया, अब सेंट्रल रोड फंड आ गया तो इट इज एक्स्ट्रा लेवी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, यानी एक्स्ट्रा जो भी टैक्स रहेगा आपका ऑन पेट्रोल एंड डीजल एज पर द रेट ऑफ, अब वहां पे देखो 1929 में पर लीटर पे 2.69 पैसा था, 2.64 पैसा, ओके, तब वो बढ़ते 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 गया, एट प्रेजेंट 6 रुपीज ऑब्टेन फ्रॉम ईच लीटर डीजल एंड पेट्रोल सोल्ड इन द कंट्री टूवर्ड्स व्हाट, सेंट्रल रोड फंड, अभी ये बढ़ के 10 रुपए तक हो गया है, ओके, 10 रुपए तक हो गया है, ये हो गया सेंट्रल का, सेंट्रल के बाद इस पे स्टेट भी लेता है, स्टेट तो बहुत लूट रहा है, ओके, तो स्टेट तो बहुत लूट रहा है, तो यानी ज्यादा इस पे टैक्सेशन लिया जाता है, ओके, कहाँ पे, पेट्रोल पे, पेट्रोल अगर आप आंध्रा में देखोगे तो प्राइस चेंजिंग है, आप गुजरात में देखोगे तो प्राइस चेंजिंग है, गोवा में देखोगे तो प्राइस चेंजिंग है, और यहाँ पे देखोगे तो प्राइस चेंजिंग है, गोवा एंड महाराष्ट्र नियर अबाउटली पेट्रोल प्राइस इज 10 रुपीज डिफरेंट, 10 रुपीज डिफरेंट, वाय, द क्रूड ऑयल प्राइस इज सेम, वहां पे आने वाला प्राइस भी सेम है सेंट्रल से, लेकिन गोवा में जो टैक्सेशन लग रहा है अपने इसके ऊपर, काय के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, वो कम है, और महाराष्ट्र में ज्यादा है, दैट्स वाई महाराष्ट्र में प्राइसेस ज्यादा है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पता रहने को होना ये चीजें, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, ओके, सो गाइज नेक्स्ट थिंग, वॉट आर द नेक्स्ट इट इज, ये कब तक एक्सेस यानी एडिशनल एक्सेस ड्यूटी कब तक था, तो ये 2016 टू 17 तक का इन्होंने दिया है, अभी मैंने बोला है कि 9 to 10 rupees ये हो गया है, ओके, नेक्स्ट 20% एनुअल रेवेन्यू जो भी आएगा रिटेन्ड एज अ सेंट्रल रेवेन्यू यानी सेंट्रल रिजर्व टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोड यानी उस पर रिसर्च होगा और डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाएगा एंड ब्रिज प्रोजेक्ट जो भी रहेंगे ब्रिज प्रोजेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट बैलेंस 80% टू बी अलाउड टू वेरियस स्टेट्स यानी सेंट्रल क्या लेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्रिज के लिए 20% जो भी रेवेन्यू आएगा उसका लेगा बैलेंस वाला किसको दे देगा स्टेट को दे देगा वेरियस स्टेट्स को वो दे देगा ओके
देन स्टेट स्टेट भी रोड में ही डेवलप करेंगे, ऐसी नहीं कि स्टेट दूसरा इधर डेवलप करेंगे, स्टेट भी क्या करेंगे, उनका भी R&D रहेगा, स्टेट का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो स्टेट का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहता है और सेंट्रल का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहता है, तो आपको दोनों जगह जॉब मिलते हैं इसमें, आप अगर करने चाहे तो आप वहां पे भी जॉब कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हैं विद द गेट, दैट्स व्हाई गेट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ CRF, व्हाट इज CRF, सेंट्रल रोड फंड। ओके, सो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज, ये यूटिलाइजेशन था। डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स, हाउ द रूरल रोड्स इज एक्टिंग, स्टेट को 80% पैसा जा रहा जो भी टैक्स ले रहे उसका, तो वो क्या करेंगे, रूरल रोड बनाएंगे। अब रूरल रोड के लिए स्टेट पैसा किसको देगा, डिस्ट्रिक्ट को देगा, डिस्ट्रिक्ट किसको देगा, तहसील को देगा, तहसील किसको देगा, ग्राम पंचायत को देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज से यस और नो, कि क्या चल रहा है। सेंट्रल रोड फंड एक बनाया जयकार कमेटी ने, जयकार कमेटी ने सेंट्रल रोड फंड बनाया, जयकार कमेटी किसको यानी किससे पैसा ले रही, अपने से पैसा ले रही, अपने से पैसा ले रही, और वो किस में जा रही, सेंट्रल रोड फंड में जा रहा, सेंट्रल रोड फंड में पैसा जा रहा, उसका 20% सेंट्रल यूज कर रहा है R&D के लिए और ब्रिजेस के लिए, और उसका 80% किसको दे रहे, उसका 80% दे रहे स्टेट की, स्टेट को लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये CRF पे क्वेश्चन रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20% 80% इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी नीड टू, अगर आपके पास जेरोक्स है तो आप इसको अंडरलाइन करके रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड एवरी एग्जाम्स देयर इज आस्क्ड कि सबसे पहले टैक्सेशन जयकार कमेटी ने कितना लगाया था, 2.64 लगाया था, सम बुक्स इज रिटन 2.69, दैट्स व्हाई आई एम पहले मैंने 2.69 भी बोला था, तो सम बुक्स आर किसी किसी बुक्स ने 2.69 भी बोला है और किसी किसी बुक्स ने 2.64 बोला है, बट आई थिंक सो इट इज 2.64 बिकॉज ऑफ एज does not mistake, okay, ace mistake nahi karta hai, okay, so that is important, then next, ab ye utilization iska maintenance ke liye hoga, yani jitna bhi road ke iske liye ye hai importance economy and interstate roads jo bhi hai, economy importance jo bhi hai, wo sab ke liye ye kya hoga ki ye aapka rahega, okay, one minute. Someone is joining here. Who? I think so. Yes, Kedar. Okay. Kedar, 9 AM la start zali hai batch. Near aboutly ardha piksha jasta batch zali li hai. So, tula thoda samjala problem jau shakto. Okay. So, continue kar. Majhe samjala, samjun zali somarcha, pan 9 AM la start zali li hai. Okay. Okay. So, 1 minute, please. Utilization that have you. Okay, utilization. What is utilization? Utilization of Central Road Fund. So, of Central Road Fund ki utilizations, itte sari utilizations aapke saamne hai. Okay, itte sari utilizations ke liye Central Road Fund banaya gaya. Aur Central Road Fund kisne banaya? Jaikar Committee ne banaya. Ab iske baad ki jo committee baad mein baithi aur committee ne Indian Road Congress banaya, ye sabse sabse jyada yani डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रोड रोड कांग्रेस ये जो है, तो ये सबसे ज्यादा है कि IRC इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कोड नहीं है, मैक्सिमम पीपल्स IRC अगर बोल दिया, अरे IRC क्या, इंडियन रोड कांग्रेस नहीं बोलते, इंडियन रोड कोड बोलते, दैट इज वेरी मच टेकिंग मिस्टेक्स, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं इसमें, तो वो मिस्टेक्स अपने को नहीं करनी है। इंडियन रोड कांग्रेस कब बनी, कब बनी ये भी इंपॉर्टेंट है, कब बनी, 1934, दैट डेट्स इज अगेन इंपॉर्टेंट, मार्च 1929 इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, देन नेक्स्ट इट इज 1927 इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है डेट, इट इज इंपॉर्टेंट, जयकार कमिटी 27, इंडियन रोड अपना सेंट्रल रोड फंड 29, इंडियन रोड कांग्रेस 34, इंडियन रोड कांग्रेस 34। अब कब था 34 में, तो 34 में देखो क्या हुआ, 34 में जयकार कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक और एक इंडियन रोड कांग्रेस एक बनने को ना, एक कमेटी बनने को ना, तो इंडियन रोड कांग्रेस उन्होंने बना दिया, तो ये क्या कर दिया, पब्लिश वेरियस कोर स्टैंडर्ड्स, यानी एक स्पेशलाइजेशन जो भी है
स्पेसिफिकेशन के रोड्स मेरे इस तरह ही रहने को ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहने को ना, तो ये सब चीजें उन्होंने फिक्स कर दी। रोड की विड्थ, रोड की डेप्थ, रोड का डिस्टेंस इतना रहा, व्हीकल्स इतने रहे, तो ये विड्थ रहने को ना, ये सब कुछ किसने डिसाइड किया? ये सब कुछ इंडियन रोड कांग्रेस ने डिसाइड किया। तो यहाँ पे पब्लिश वेरियस कोड्स स्टैंडर्डाइजेशन इन द स्पेसिफिकेशन IRC 6, IRC 21, IRC 19, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिज एंड अदर रोड्स। ओके, सो इंडियन रोड कांग्रेस ने अपना R&D सेक्टर चालू कर दिया कि वहां से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसने स्टैंडर्डाइजेशन बुक्स लिखने अपने चालू कर दिए। तो IRC इट इज द वेरी यूजफुल डिपार्टमेंट कि आप वहां पे भी जाके जॉब कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे भी जाके आप जॉब कर सकते हैं और वहां पे भी आप ये कर सकते हैं कि नहीं भी मुझे यहाँ पे आप जॉब करना। इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड डेवलपिंग पार्ट। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन में MTech करना पड़ेगा इन IITs एंड NITs 101%, IITs एंड NITs, NITs आल्सो 100% वहां पे प्लेस हो सकते हैं IRC। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इट इज, अब IRC कौन देखा? IRC जयकार कमेटी ही दिख रही, जयकार कमेटी नहीं बनाया। ओके, जयकार कमेटी ने ही रिकमेंड किया कि IRC रहने को ना, इंडियन रोड कांग्रेस रहने को ना। अब इंडियन रोड कांग्रेस IRC के कोड्स IRC 6 मैंने जो बोला वो लोडिंग के लिए है, IRC 21 भी लोडिंग के लिए, IRC 19 भी लोडिंग के लिए है। तो उसके स्टैंडर्ड्स है, ब्रिज के लिए हो गए, रोड्स के लिए हो गए, हाईवेज के लिए हो गए, उसके लिए है। तो मैंने ब्रिज के बताया आपको अभी, ठीक है? तो अभी सामने आते हैं। देन उसने क्या निकाला कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे, बाकी सब कुछ हो रहा, तो उसके लिए उन्होंने क्या निकाला कि मोटर व्हीकल एक्ट निकाल। अब ये क्वेश्चन रिसेंटली आस्क्ड इन ESC, रिसेंटली आस्क्ड इन ESC, क्यों? क्योंकि ये अमेंड हुआ है, अमेंड अगेन इन 2017। क्या था मोटर व्हीकल एक्ट? क्या था तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये था कि मेरा जो भी व्हीकल रहेगा वो कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा, परमिट किसको किसको दिया जाएगा, किस किस व्हीकल्स को परमिट नहीं दिया जाएगा, ये सामने अभी यहां पे है। यहां पे देखो मोटर व्हीकल एक्ट, दैट इज अगेन, ये कब हुआ मोटर व्हीकल एक्ट? ये हुआ 1939 में। कब हुआ? 1939 में, 1939, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिवाइज कब हुआ? 1988 में। अगेन रिवाइज कब हुआ? किसने किया? नितिन गडकरी ने किया 2017 में। कितना था सिग्नल तोड़े तो? 100 rupees था फाइन। अभी कितना हुआ? 100 rupees ही है इन नाउ सिटी में। अगर आप बाहर तोड़े हाईवे में, और अगर आपने स्पीड लिमिट अगर क्रॉस कर दी, तो पहले 100 rupees ही था, अभी कितना? 1000। अभी कितना प्राइस है, यानी अभी कितना चालान है? 1000। तो वो किसने किया? वो किया नितिन गडकरी ने। अभी वो भी पूछते हैं कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, रोड मिनिस्ट्री ने किया है, कब किया है? तो 2017 में किया है। किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन जनरल नॉलेज इन SSC, ओके, कि किसने किया है वाला। तो दैट इज इंपॉर्टेंट गाइज, ओके, आप इसके सामने लिख सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप इसके सामने लिख सकते हैं, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप बुक पे लिख लो। ओके, तो ये नितिन गडकरी जी ने किया है, 2017 में किया है, अभी कमेंट, और ये ESC में और SSC में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। ESC में ये पूछा गया कि कब किया, रिसेंट, और SSC में ये पूछा गया कि किसने किया। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइस, नेक्स्ट, अब इसमें एक्ट्स में क्या क्या है, लाइसेंस, अभी मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले पूरा आपको बता दिया कि क्या क्या है और क्या है। पेनाल्टीज हो गया, पेनाल्टीज के बारे में अभी मैंने बात की कि आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको कितना फाइन है? 100 rupees फाइन है यहाँ पे। ओके, आप अगर हेलमेट नहीं पहन गया तो कितना फाइन है? 500 rupees फाइन है। अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको कितना फाइन है? 1000 डायरेक्टली। ओके, 1000 rupees फाइन। सो दैट फाइन्स को बढ़ा के ये करना, ये किसने किया? तो ये मोटर व्हीकल एक्ट जो नया वाला है, इसने किया है। अननेसेसरी महाराष्ट्र में ये लागू में भी नहीं किया गया था, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया, महाराष्ट्र में भी ये लागू कर दिया गया है। सबसे पहले दिल्ली में क्या कर दिया गया था, तो दिल्ली के न्यूज आते थे, क्या आपने न्यूज सुने 2 साल पहले? इतना फाइन हो गया, मेरे पेपर्स नहीं है तो मुझे 19000 का फाइन हो गया, 19000 की तो मेरी बाइक ही नहीं है तो मैं छोड़ के जा रहा, ये वगैरह सब कुछ बातें थी, क्या आपने सुने गाइस?
हैड यू हर्ड? नहीं सुने? आप मूवीज ही देखते रहते कैसे? मूवीज एंड व्हाट्सएप एंड अदर थिंग्स, आप न्यूज नहीं देखते कभी? दिल्ली में कोई नहीं रहता आपका? दिल्ली में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, हरियाणा से दिल्ली आ गए, मोटर व्हीकल एक्ट लग गया, मोटर व्हीकल एक्ट लग गया, अगर हेलमेट नहीं है लो 1000 रुपए का भाई। तो दिल्ली में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे 2018 में। ओके, ये अमेंड हुआ 2017 में, बट 2018 में लागू हो गया था। तो 2018 में एकदम हाहाकार था दिल्ली में। ओके, यानी फाइन तो एक का तो फाइन हमने देखा था, यानी न्यूज पे आया था, तो 18,000 फाइन। क्या बोलते 18,000 फाइन? उसकी व्हीकल यानी नियर अबाउटली स्प्लेंडर वगैरह थी, वो भी पुरानी, तो वो भी उसी प्राइस में उसकी निकल जाती थी, तो 18,000 फाइन्स। तो फाइन्स बहुत बढ़ा दिए थे, और बढ़ा के है एक्चुअली, बहुत सारे स्टेट्स में ये लागू है, लेकिन महाराष्ट्र आई थिंक सो इट इज नॉट अ महाराष्ट्र में लागू नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो। ओके, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल परमिट किसको किसको देना है, रेगुलेशंस क्या है ट्रैफिक के, ओके, इंश्योरेंस लायबिलिटी, इंश्योरेंस हो गया, लायबिलिटी हो गया, ऑब्सेंस हो गया, तो ये सब पार्ट्स इसमें आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अमेंड्स इट इज इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, मोटर व्हीकल के बाद क्या हुआ, सबसे पहले देखो, अब इससे भी क्रोनोलॉजी देखते हैं अपन। ओके, सबसे पहले जयकार कमेटी है, जयकार कमेटी ने सेंट्रल रोड फंड बनाया डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपन ने रोड वगैरह डेवलप कर दिया। उसके बाद क्या बना कि एक स्टैंडर्डाइजेशन बना कि रोड कैसी होने को ना, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे रहने को ना, ये सब कुछ बना इंडियन रोड कांग्रेस ने। इंडियन रोड कांग्रेस के बाद क्या हुआ, इंडियन रोड कांग्रेस के बाद कौन आया, इंडियन रोड कांग्रेस के बाद आया मोटर व्हीकल एक्ट, कि कोई भी कैसे भी नहीं चला सकता, उसके लिए भी एक लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा, 10 साल का बच्चा भी कार या बाइक नहीं चला सकेगा, उसके लिए भी एक आपको लाइसेंस, एक एज लिमिट वगैरह सब कुछ उसको दिया रहेगा। तो वो किसने बनाया, वो बनाया मोटर व्हीकल एक्ट ने। तो मोटर व्हीकल एक्ट 39 में हुआ, देन उसका नेक्स्ट अमेंड हुआ 88 में, और नेक्स्ट अमेंड हुआ 2017 में। दैट लेटेस्ट अमेंडमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट, अभी तक गेट पे पूछा नहीं गया, मे बी वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन हियर। ओके, सो नेक्स्ट, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस, दैट वेरी मच एक्टिंग के नागपुर रोड प्लान, ये आपको 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है आपकी यूनिवर्सिटी में, नागपुर रोड प्लान, व्हाट इज द नागपुर रोड प्लान, व्हाट इज फर्स्ट रोड प्लान, फर्स्ट रोड प्लान इट इज नागपुर रोड प्लान। ओके, तो फर्स्ट 20 ईयर्स प्लान ये जो था, यहाँ से जयकार कमिटी ने एक स्टार्ट कर दिया कि 20 ईयर प्लान मुझे बनाना है। किसने, जयकार कमेटी ने, जयकार कमेटी थी सबका देखने वाला। 1 मिनट गाइस, बैटरी इज लो हियर, ओके, सो जयकार कमेटी की थी सबका देखने वाला। तो देखो क्या हुआ नागपुर रोड प्लान में, क्या हुआ पहला नागपुर रोड प्लान, रोड प्लान थे 20 ईयर्स वाले रोड प्लान थे। तो पहला रोड प्लान बनाया गया था नागपुर में, वो भी कब बनाया था, बनाया गया था इंडिपेंडेंस के पहले, ये सब कुछ इंडिपेंडेंस के पहले है, ब्रिटिश इंडियंस, ओके, ब्रिटिश इंडियंस इसमें थे, ओके, उन्होंने अपने को ये करके दिया, ओके, ब्रिटिश इंडियन ने हमको करके दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर अ कोऑर्डिनेट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑर्डिनेट, यस कोऑर्डिनेट, यानी एक आप अगर नागपुर में कभी भी जाओ तो 0 माइल आपको दिखेगा, तो दैट 0 माइल जब नाम जो चालू हुआ तो वो नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुआ, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस 0 माइल पे बैठी, और वहां से उन्होंने 0 डिस्टेंस से स्टार्ट कर दिया, वहां से उन्होंने क्या कर दिया, रोड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 0 माइल क्यों बोलते हैं, आपको मैक्सिमम लोग पूछते होंगे 0 माइल क्यों बोलते, बट द सिविल इंजीनियर को पता रहने को ना कि 0 माइल क्यों बोलते। 0 माइल से वहां से आपका ओरिजिनेट हुआ सभी की सभी रोड, वहां पे सेंटर ऑफ द इंडिया है, सेंटर ऑफ द इंडिया, यस सेंटर ऑफ द इंडिया, दैट्स व्हाई द 0 माइल। 0 माइल से आपका क्या स्टार्ट हो गया, आपके पूरे रोड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और वो कहां पे बैठे थे, 0 माइल पे बैठे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर कोऑर्डिनेट रोड डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अ प्लान्ड मैनर, एक प्लान्ड मैनर में, किसी प्लान के, ये भी 20 ईयर का प्लान किया था लेकिन हो गया 18 साल में कंप्लीट हो गया। ओके, 20 ईयर का प्लान किया था उन्होंने लेकिन 18 साल में अचीव हो गया,
देखो कितना यानी कितना डेडिकेशन था उनका, 20 ईयर का, नेक्स्ट 20 ईयर का प्लान किया उन्होंने। ओके नेक्स्ट 20 ईयर का कौन सा था, 43 to 63। अब 43 के बाद 47 में इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद वहां पे थोड़ा बहुत लैगिंग हुआ भी होगा काम, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कंप्लीट करते गया और ये 61 में ही नागपुर रोड प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया 61। ओके था 63 तक, लेकिन कंप्लीट हुआ 61 में, पॉपुलरली नोन एज नागपुर रोड प्लान। ओके इसमें क्या था, तो इसमें 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बना था। अब 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कैसे होगा, 10 × 10 आप कर दोगे 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर रेक्टेंगुलर आप कर दोगे, तो 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर अगर आप कर दोगे रेक्टेंगुलर तो आपको 100 स्क्वायर मीटर एरिया मिल जाएगा, क्या स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन उन्होंने क्या किया था, रेडियस घुमाया था, तो जो भी आपका जो 16 यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के लिए आपका 16 किलोमीटर होने को होना 20 साल में, तो वो उन्होंने अचूक इतना कर लिया, 100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा क्या, नहीं, यानी एक 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पकड़ लेंगे, 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के लिए जो भी कनेक्टिविटी रहेंगी मेरी, वो कनेक्टिविटी कितनी कितनी किलोमीटर की रोड की रहेंगी, 16 किलोमीटर की रोड की रहेंगी मेरी कनेक्टिविटी, मुझे करना पड़ेगा कौन से 20 साल के प्लान में। 20 साल का प्लान कौन सा था, 20 साल का प्लान आपका नागपुर रोड प्लान। ओके 20 साल के प्लान में यानी 20 साल के पीरियड में आपको 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपको 16 किलोमीटर डेवलप करना है बोले तो करना है, ये था उनका। लेकिन कब खत्म हो गया, 18 साल बीच खत्म हो गया। ओके इतना डेडिकेशन था। ओके द रिकमेंडेड ग्रीड पैटर्न, ग्रीड पैटर्न फॉर द फॉर रोड सिस्टम स्टार एंड ग्रीड। व्हाट इज स्टार एंड ग्रीड, हियर इज अ स्टार एंड ग्रीड, वन मिनट गाइस, दैट इज ग्रीड पैटर्न। व्हाट इज स्टार पैटर्न, दैट इज स्टार पैटर्न। ओके तो ये सामने अभी देखने वाले ग्रीड एंड स्टार स्टार पैटर्न, तो इसलिए मैं वहां पे आपको बोर्ड वोर्ड पे नहीं लेके जा रहा, दैट इज वेरी इजी थिंग टू लर्न फ्रॉम PDF। ओके एकदम इजी है, कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना लिख के उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उतना ही पढ़ लिया ना तो भी हो जाता। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल रन यानी कौन से हाईवे बनने वाले थे, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी रोड एंड विलेज रोड, ये सब कुछ यहाँ पे कैटेगराइज, ऑल Runway roads were classified into 5 categories. किसने किया, इंडियन रोड सॉरी नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस में हुआ कि एक नेशनल हाईवे के लिए अलग रहेगा, स्टेट हाईवे अलग रहेगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अलग रहेगा, और ऑर्डिनरी रोड अलग रहेगा, विलेज रोड अलग रहेगा, दैट आर द 5 categories मेड हो गई। यहाँ पे 5 categories आपके बन गई। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये पहला 20 ईयर प्लान था। अब पहला 20 ईयर प्लान हो जाने के बाद ही क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद एक फट किसिया इंस्टीट्यूट बना गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब विच आर द रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट गाइस, इट मे बी लाइन विथ जयकार कमेटी रिकमेंडेशन, जो भी जयकार कमेटी बोलती थी उसके हिसाब से इसका रिसर्च चलता था। लोकेट कहां पे था, तो दिल्ली में था, लोकेट कहां पे था, तो दिल्ली में था, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, व्हाट इज CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कब हुआ था, 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। ओके देन नेशनल हाईवे एक्ट, अरे बाबा IRC तो देख लिया, और बाद में मोटर व्हीकल एक्ट भी आ गया। मोटर व्हीकल एक्ट आ जाने के बाद आपका फिर से एक एक्ट आ गया, नेशनल हाईवे एक्ट। अब नेशनल हाईवे एक्ट में क्या हुआ कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इस पे भी एक रेगुलरेशन बॉडी बन गई कि नहीं ये भी एक्ट है, डेवलपमेंट के लिए भी आपको इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा और मेंटेनेंस के लिए भी आपको इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके देन ये 1956 में हुआ। अगेन क्रोनोलॉजी आपको ये लिख के रखना है, क्रोनोलॉजी ये अगर आप भूल गए तो भूल गए। ओके तो ये आपको लिख के रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहला नागपुर रोड प्लान, सेकंड बॉम्बे, पहला नागपुर सेकंड बॉम्बे, पहला नागपुर विदर्भा साठी, पहला नागपुर।
ओके, इन विदर्भ के लिए फर्स्ट नागपुर देन बॉम्बे। ओके, तो बॉम्बे मैंने क्या बोला था, पहला जो रोड प्लान है वो कब खत्म हुआ था, 18 ईयर में ही खत्म हुआ था। कब स्टार्ट हुआ, 1943 में स्टार्ट हुआ। तो 1943 प्लस 18 ईयर्स, 1961, दैट इज 1961, 1961 टू 1981, दैट इज बॉम्बे। हाँ, ये 20 साल ही चला इंडियन गवर्नमेंट। इसमें आनी बानी वगैरह वाला मैटर, आनी बानी नहीं, या दूसरे ही मैटर थे यहाँ पे, यानी अलग ही थे। ओके, यहाँ पे पूरा पूरा यानी निचोड़ो वाला काम था, कि निचोड़ो लाओ भरो ये वाला काम था। तो वो छोड़ो, अपने को उस पर कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये साल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं था इंडिया के हिस्ट्री के हिसाब से। ओके, बट यहाँ पे बाकी भी डेवलपमेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे हुए हैं, जो होने को होना था वो हुए। सेकंड रोड डेवलपमेंट प्लान, तो दैट इज 1961 टू 1981, बॉम्बे रोड प्लान। अब यहाँ पे टारगेट डबल कर दिया, टारगेट क्या हो गया, डबल हो गया। 16 था नागपुर रोड प्लान में, यहाँ पे 32 किलोमीटर हो गया पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। और यहाँ पे और एक प्लान आ गया कि कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस वे भी बनाना है, कितना, 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे भी बनाना है। ये भी एक टारगेट वहां पे ले लिया और वो भी अचीव किया। ओके, नहीं किया ऐसे नहीं, वो भी अचीव किया एक्सप्रेस वे का। कब से एक्सप्रेस वे का था कंस्ट्रक्ट, यानी 1961 से प्लानिंग था। अब ये सोचो आप कब से था, तो 1961 से प्लानिंग था। देन क्या हुआ कि इसी के बीच में हाईवे रिसर्च बोर्ड भी बना। ये किसने बनाया, हाईवे रिसर्च बोर्ड अंडर सर इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर था। किसके अंदर था, इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर। ओके, इंडियन रोड कांग्रेस कब बनी, इंडियन रोड कांग्रेस, अरे गाइस कब फॉर्म हुआ था, 1934। यस एग्जैक्टली, 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस हुआ। इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर हाईवे रिसर्च बोर्ड भी आया, वो आया 1973 में। ओके, वो कब आया, 1973 में आया। टू लुक रिसर्च ऑन न्यू रोड डेवलपमेंट एंड न्यू रोड मटेरियल्स। इसी ने प्लास्टिक का यूज अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया प्लास्टिक का यूज, ये आपको पूछेंगे तो हाईवे रिसर्च बोर्ड ने किया, नॉट अ इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस की ये बॉडी है, बट किसने किया प्लास्टिक, प्लास्टिक मिक्स रोड्स, इंडियन रिसर्च बोर्ड ने किया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड रोड प्लान। अब आ गए हम नागपुर, नागपुर से चले गए हम, नागपुर में थे हम 43 में, 43 से 61 में चले गए हम बॉम्बे में, बॉम्बे से हम चले आए 81 में लखनऊ। 61 में थे हम बॉम्बे में, बॉम्बे से आए हम लखनऊ, कब आए, 81 में, 81 में 20 साल खत्म हो जाने के बाद। पहला 18 साल का, दूसरा 20 साल का बॉम्बे वाला, तीसरा भी 20 साल का लखनऊ वाला, 81 टू 2001। ओके, वहां पे डायरेक्टली ट्रिपल, यानी ट्रिपल डायरेक्टली, नियर अबाउटली ट्रिपल, टारगेट इज ट्रिपल। व्हाट ट्रिपल, ट्रिपल टोटली ट्रिपल अगर होता था तो सर बोलते, ट्रिपल अगर होता था 96 होता था। हाँ, यहाँ पे तो 96 नहीं है, यहाँ पे तो 82 है, नियर अबाउटली 82। सो 82 किलोमीटर पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए यहाँ पे 82 किलोमीटर स्क्वायर रोड बनाना था। इसमें सभी आ गए, विलेजेस रोड भी आ गए, एक्सप्रेस वे भी आ गए, सभी आ गए। अब एक्सप्रेस वे क्या यहाँ पे था, अलग से 2000 किलोमीटर तो बनाना ही है, अलग से 2000 किलोमीटर तो बनाना ही है। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे भी कितना रहने को होना, ये भी यहाँ पे फिक्स कर दिया था। देखो, बॉम्बे रोड प्लान में सिर्फ एक्सप्रेस वे का था 1600, यहां पे क्या कर दिया कि यहां पे इन्होंने एक्सप्रेस वे भी इन्होंने 2000 किलोमीटर का लगा दिया, और लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे ये भी इन्होंने फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, जो भी किलोमीटर स्क्वायर में एरिया निकलेगा डिवाइड बाय 50, अगर उसको कर दूंगा मैं, यानी 100 डिवाइड बाय 50 कर दूंगा, तो 2 किलोमीटर का मुझे बनाना ही पड़ेगा 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के लिए, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो इसके हिसाब से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे के लिए ये फॉर्मूले पूछते, प्लीज अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला इज आस्किंग, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहने को होना। ओके,
यानी लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अगर आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो आपको 2 किलोमीटर बनाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे अगर आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है डिवाइड बाय 25 कर दो तो 4 किलोमीटर हो गया, और 62.5 इनटू नंबर ऑफ टाउन्स। क्यों आई? अरे नंबर ऑफ टाउन्स अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा बनाना पड़ेगा आपको। अगर घंटा यानी अगर आपका गढ़चिरौली में हो तो आपका पहला वाला एरिया वाला काम आएगा, अगर आप पुणे मुंबई या फिर नागपुर के आसपास हो तो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला काम में आएगा, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। ओके, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए इसका भी हाफ कर दो। यानी देखो नेशनल हाईवे का हाफ कौन हो गया? स्टेट हाईवे का हाफ कौन हो गया? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, यानी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज संभालती है उसके रोड्स। तो ये कितने हो गए? 12.5, यानी 100 किलोमीटर है तो 12.5 आप डिवाइड कर दो, सो आपका कितना आएगा? 8 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर आपको बनाना पड़ेगा। अगर घंटा एरिया यानी बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला है, यानी टाउन्स लग के है, तो 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स ये भी आप कर सकते हैं। दैट फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार कर लो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर SSC, MPSC, नॉट फॉर द गेट, दैट फॉर द ESC। दिस चैप्टर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट, प्लीज आप ये समझ लो। दैट इंपॉर्टेंट फॉर, अब मैंने मेरे बैच में ही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना काहे के लिए? SSC के लिए भी पढ़ना है, MPSC के लिए भी पढ़ना है, अदर जेईई एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है। सो ये पढ़ना है तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिए सभी के सभी सब्जेक्ट्स तो भी सफिशियंट है, और तो भी आप क्रैक कर सकते हो, बस आपका आत्मविश्वास अच्छे से रहने को ना, तो आप कर सकते हैं। और सिर्फ डिग्री निकालना है, डिग्री निकाल के सामने कुछ तो भी करेंगे, सामने कुछ तो भी सोचेंगे, फालतू है। डिग्री निकल ली जाती है, डिग्री में कोई डाउट नहीं है, डिग्री के बाद वाला अभी से गोल करना है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि कहाँ पे जाना है और क्या करना है। तो उसके लिए अगर आपने अगर आपका गेट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किया है तो दैट इज वेरी मच ग्रेट स्टेप, बहुत अच्छी स्टेप है। गेट के साथ आपका क्या हो रहा? बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा। और जो लोग भी ये नहीं कर रहे हैं वो पछताने वाले, वो सामने जाके टेस्ट वो फिर ये करने वाले, क्या करने वाले? सामने जाके 1-2 साल देने वाला है। दैट इज वेरी वेस्ट, वेस्टेबल टाइम, अभी जो वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना है, तो यूटिलाइज अपन इसमें करेंगे। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी। मैंने क्या बोला था? नहीं के लिए बोला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था नहीं चेक करेंगे कि मटेरियल कौन सा है, क्या है, किस तरह का है, मेंटेनेंस कैसे रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर वगैरह कैसे रहेगा, तो ये सब नहीं में भी आप जॉब कर सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम द गेट। गेट बेसिस पे इसे एग्जाम निकलती है, जिसका गेट क्रैक है वही एग्जाम दे सकता है। ओके, क्रैक है वही एग्जाम दे सकता है, पैकेजेस अच्छे रहते हैं लेकिन ठाव ठिकाना नहीं रहता। ठाव ठिकाना नहीं रहता यानी क्या? आज आप महाराष्ट्र में हो तो कल आप कलकत्ता में हो, यानी 3-3 साल के बाद। ओके, 3 इयर्स के बाद। तो बदलिया बहुत खतरनाक होती है, यानी अपना इंडिया बहुत बड़ा है, सो यहाँ से वहां पे आपके जो भी ये है ट्रांसफर आपकी वो की जाती है। तो ये देखो ये एस्टैब्लिश कब हुआ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाई जो है वो एस्टैब्लिश हुआ 1988 में, मोटर व्हीकल एक्ट भी रिवाइज हुआ था, याद है आपको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मोटर व्हीकल एक्ट, फाइन, लाइसेंस, जिसमें अपन मोटर व्हीकल एक्ट में देखते, अभी रिवाइज किया नितिन गडकरी ने 2017 में। वो सबसे पहले रिवाइज, सेकंड रिवाइज उसका कब हुआ था? सबसे पहला कब हुआ था वो मोटर व्हीकल एक्ट? सबसे पहले कब बना था, फर्स्ट कब बना था वो गाइस? 1939 के बाद रिवाइज हुआ 1988 के बाद कब हुआ? 2017 में। तो 2017 में वो रिवाइज हो गया, उसके पहले जो सेकंड रिवाइज था 1988 में था। तो 1988 में जब रिवाइज हुआ तो रिवाइज के साथ नाई भी डेवलप हुआ, उसके साथ क्या हुआ? नाई भी डेवलप हुआ। नाई इट इज व्हाट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी बन गया। बिकम ऑपरेशनल ओनली इन, ऑपरेशनल कब हुआ? एस्टैब्लिश तब हुआ, ऑपरेशनल हुआ 7 साल के बाद। ये नहीं पूछते ये लोग इंटरव्यू में,
ऑपरेशनल कौन से साल में हुआ, ऑपरेशन कितने साल बाद हुआ ये पूछते, 7 साल के बाद हुआ, 88 में तो एस्टेब्लिश हो गया, 7 साल लगे उसको क्या है ऑपरेशनल के लिए आने के लिए नाई को, ओके नाई को ऑपरेशनल के लिए आने के लिए 7 ईयर्स लगे, तो बिकम ऑपरेशनल ओनली इन 1995, ओके 1995. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डेवलप मेंटेन ऑपरेट द नेशनल हाईवे, नॉट स्टेट, नॉट मेजर डिस्ट्रिक्ट, नॉट विलेज, प्लीज अंडरस्टूड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे के लिए ही है और सेंट्रल के अंडर है, नॉट इन द स्टेट, अंडरस्टूड अगेन, स्टेट में मेजर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाई रोड बना के जाएंगी टैक्सेशन के लिए, किसको दे देंगी, तुम लेते बैठो, कौन अपने स्टेट बना के, कौन जाएगा बना के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जाएंगी अंडर द सेंट्रल, अंडर द सेंट्रल. चंद्रपुर नागपुर रोड के बीच में चंद्रपुर जाम NH 930 है, बनाया नाई ने है, टैक्सेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले रहा, प्लीज अंडरस्टूड दिस, टैक्सेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले रहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी लाइट व्हीकल्स है लाइट व्हीकल्स के टैक्सेशन निकाल लिया, तो आपको अगर आप जाते होंगे तो आपको वरोरा में भी टैक्स नहीं लगता, आपको जाम के पहले जो ये आता वहां पे भी आपको कार के लिए टैक्स नहीं लगता, लेकिन आप जब नेशनल हाईवे जाते NHI के अंदर वाले जो भी नेशनल हाईवेज है, NH 44, पहले NH 7 था, NH 7 कम्स टू NH 44, उसकी लेंथ बढ़ गई करके, तो NH 44 पे आपको जाम के पहले बुट्टीबोरी के पहले टैक्स लगता, क्योंकि वो सेंट्रल के अंदर है, सेंट्रल ने अभी भी टोल टैक्स रखा है लाइट व्हीकल यानी कार के लिए. स्टेट ने ये ले लिया था कि स्टेट ने लाइट व्हीकल्स के लिए टैक्सेशन निकाल लिया था, जो भी हेवी व्हीकल्स है उनके लिए ही ये रहता था, हेवी व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए टैक्सेशन है, कमर्शियल में लाइट व्हीकल के लिए नहीं है, कमर्शियल में हेवी व्हीकल्स के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स जो भी है उसके लिए टैक्सेशन है महाराष्ट्र बॉडी में, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके दिस इज एक्ट, दिस इज एक्ट इन जनरल नॉलेज, ओके जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, सो ये भी आपको पता रहने को, ओके गाइस, सो इसमें कोई डाउट, एनी डाउट, जो भी मैं अभी टैक्सेशन के बारे में बोला इसमें कोई डाउट किसी को, ओके इट इज नो डाउट, देन वी मूव फर्दर, 1 मिनट, नो, ओके ओके वी मूव फर्दर, सो नेक्स्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब व्हाट इज द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया, उसके बाद नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होगा प्राइम फोकस इन ऑन डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, विद फैसिलिटीज फॉर अनइंटरप्टेड फ्लो, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक विद एनहांस सेफ्टी फीचर्स, बेटर राइडिंग सरफेस, राइडिंग सरफेस कर कर पे अपन लेके जाते कार, अपनी कार बाइक हो गया जो भी है, बेटर रोड ज्योमेट्री, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड नोटिसेबल सिग्ने, यानी जो भी सिग्नल्स जो भी रहेंगे आपने नोट नोटिसेबल्स के, सामने दो रोड जा रहे हैं, सामने नैरो ब्रिज है, ये सब कुछ, डिवाइडेड कैरेज वे, सर्विस रोड्स, व्हाट इज द सर्विस रोड, सर्विस रोड्स यानी क्या रहेगा कि एक हाईवे रहेगा, हाईवे के बाजू में जो भी रोड्स रहेगा वो सर्विस रोड रहेगा, जहां पे टू वे ट्रैफिक आएगा, और जो भी मेरा ड्राइव रोड रहेगा, ड्राइव रोड यानी जो भी मेरा ड्राइव रोड यानी मेन रोड जो भी जहां से ट्रैफिक मेरा जाएगा, यानी मेन हाईवे का मेन लाइन जो भी है जहां से ट्रैफिक जाएगा, दैट इज ड्राइववे रोड रहेगा, और उसके भी बाजू वाला क्या रहेगा, सर्विस लेन रहेगा, सर्विस रोड रहेगा, ओके तो सर्विस रोड आपका वो रहेगा, तो वो भी हम अच्छे से ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सीखने वाले हैं, ये सब चीजें, ग्रेड सेपरेशन हम ज्योमेट्रिक डिजाइन में सीखने वाले हैं, ओके ग्रेड सेपरेशन यानी ब्रिज, डायरेक्टली नीचे से मेरा ये जा रहा है एक सीधा लेन जा रहा है और ऊपर से मेरा दूसरा हाईवे जा रहा है, या फिर नीचे से आपका रेलवे जा रहा है, ओके रेलवे ऊपर से आप जा रहे हैं, ग्रेड सेपरेशन, रेलवे के साथ मेरा नीचे से दूसरा रोड भी जा रहा है, ओके और ऊपर से
अपन आप जा रहे हैं तो इंटरेक्शन नहीं होने को ना, इंटरप्ट नहीं होने को ना, इसलिए। तो ग्रेड सेपरेशन, ओवर ब्रिजेस, अंडर पासेस, बाईपासेस, वे साइड अमेंडमेंट, तो ये सब कुछ चीजें आएंगी। अब प्रोजेक्ट अंडर एनएचडीपी, व्हाट एनएचडीपी, एनएचडीपी इट इज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, वन मिनट गाइस, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, और व्हाट इज द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम? अब इसके बाद आया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 3 20 ईयर प्लान ही क्यों बताया आपने? क्या आपको पता है 20 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ करके? आपका ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट हुआ है क्या? आपको कॉलेज में इतना अच्छे से आपको बताया गया है क्या? आपको कॉलेज में ये सब कुछ चीजें बताई गई है क्या? आपको पता था IRC वगैरह क्या है क्या नहीं है? ओके, नो इश्यूज, आप बाद में अपन बात करते इस पे, जब भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेगा तब, ठीक है? ठीक है, तो गाइस अब एनएचडीपी के अंदर क्या क्या आता, एनएचडीपी के अंदर प्रोजेक्ट अंडर एनएचडीपी, एनएचडीपी के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आते हैं? तो गोल्डन कॉल्ड्रेटल ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? आपका ये प्रोजेक्ट है कॉल्ड्रेटल वाला, 5846 किलोमीटर वाला, दिल्ली कलकत्ता चेन्नई मुंबई, ऑलरेडी 99.67% 100% नियर अवर्डली हो गया। टोटल कॉस्ट कितना लगा? टोटल कॉस्ट लगा 58 करोड़, 58,000 करोड़। ओके, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टोटल 7,300 किलोमीटर का सबसे बड़ा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग सबसे लंबा अपना इधर NH-44 NH-7 हाईवे, कश्मीर टू कन्याकुमारी इंक्लूडिंग सीलम टू कोचिन केरला, दैट इज नथिंग बट NH-44। आप इसके सामने आप लिख लो NH-44, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NH-44 प्लीज। NH-7 था, NH-7 चेंज टू NH-44, NH-7 चेंज टू NH-44 गाइस, NH-7 चेंज टू NH-44। देन नेक्स्ट इट इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर आसाम टू पोरबंदर गुजरात, आसाम टू ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ओके, ईस्ट आसाम, वेस्ट गुजरात। ओके, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये NH-27 प्लीज, ये भी आप लिख लो NH-27। ओके, पोर्ट कनेक्टिविटी एंड अदर, दैट इज नथिंग बट 19 पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, अरे मुंबई से लेके गोवा, गोवा से लेके फिर देन जो भी पोर्ट वाले रोड्स है वो रोड्स। ओके, देन स्टेट हाईवे रिसर्च लेबोरेटरीज, स्टेट हाईवे रिसर्च लेबोरेटरीज, तो स्टेट हाईवे रिसर्च लेबोरेटरीज आपके बनाए गए कहाँ कहाँ पे बनाए गए? पहला चेन्नई में बनाया गया हाईवे रिसर्च स्टेशन, महाराष्ट्र में बनाया गया नासिक में, नासिक में महाराष्ट्र इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट MEI नासिक में। ओके, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वडोदरा, पास में वडोदरा और नासिक बहुत पास में। ओके, वडोदरा। द नेक्स्ट इट इज नेशनल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें जोर नहीं दे रहा, जितना भी मैंने जोर दिया है ऊपर दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, हाईवे, नेशनल हाईवे स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसके रिक्रूटमेंट भी निकलते हैं, प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग NITHE न्यू दिल्ली, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी NRRR
डी ए ओके देन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू कनेक्ट विलेजेस विथ अ पॉपुलेशन ओवर 1000 persons. 1000 persons के ऊपर जो पॉपुलेशन है उसमें विलेज प्रोग्राम्स के लिए है. तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये आपका सबसे ग्रेट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे एवरी ईयर्स आपको जगह निकलते हैं दो से तीन जगह. आप जहां पे अभी लोकेटेड हो वहां पे आप इस योजना में काम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. 18 to 20,000 आपका पेमेंट रह सकता ओके. और इतने सारे करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट हुए है ओके. नेक्स्ट प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शंस ओके. अब यहां से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है. हम शॉर्ट एक ब्रेक लेते 5 minutes का. 11:30 बजे तक अपन इसको कवर करेंगे. तो 5 minutes के ब्रेक के बाद हम रीज्वाइन करते ओके. रीज्वाइन करते गाइस दिस टोटल इसका कि यहाँ से अपन क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इसके यहाँ तक क्योंकि ये यहाँ तक हिस्ट्री था टोटली ये था. अभी रोड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस वगैरह ये सब कुछ चालू होगा. तो ये मेरा हिस्ट्री वाला क्लास था पहला कि हिस्ट्री में क्या क्या है क्या क्या बनाया गया है कौन से इंस्टीट्यूट थे और किस तरह का था ये बड़ा हिस्ट्री वाला क्लास है. सेकंड क्लास अपन विद इन द 5 minutes हम स्टार्ट करते हैं ओके. विद इन द 5 minutes हम स्टार्ट करते हैं. सो 5 minutes का हम ब्रेक लेते हैं. तो आपको लीव करना है तो आप लीव भी कर सकते हैं. 1 minute guys.